I hope you all fine. This is your science class. Now we are going to start new lesson, that is lesson number 9, housing and clothing. Housing and clothing. इस chapter में हम need for a house, room in a house, need for clothes. Clothes are made of different materials. इस topic पे discuss करेंगे. Need for a house. Need means होता है हमें किस चीज़ की ज़रूरत है. For a house, हमें हाउस की ज़रूरत किस लिए पड़ती है, किस लिए हाउस की नीड होती है. We need a house to live in. A house provide a shelter from the hot sun, cold wind and rain. It protect us from wind, animals and thieves. We enjoy in our house. We have fun with our family. We feel very happy in our house. We must keep our house neat and clean. अब इसको हम explain करते हैं. हमें हाउस की नीड किस लिए होती है. वी नीड अ हाउस टू लिव इन. हमें रहने के लिए हाउस की नीड होती है. हाउस हमें प्रोवाइड कराते हैं शेल्टर. किसके किसके लिए? हॉट सन, कोल्ड विंड और रेन से बचाने के लिए शेल्टर प्रोवाइड्स कराते हैं. इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम विंड, एनिमल्स एंड थीव्स. हाउस हमें प्रोटेक्ट भी करते हैं विंड से. विंड मीन्स हवा, एनिमल्स मीन्स जानवर, थीव्स मीन्स चोर लोग से. इनसे हमें हाउस प्रोटेक्ट भी करते हैं. वी इंजॉय इन अवर हाउस. हम हाउस में इंजॉय करते हैं. वी हैव फन विथ अवर फैमिली. हम अपनी फैमिली के साथ फन भी करते हैं. वी फील वेरी हैप्पी इन अवर हाउस. वी मस्ट कीप अवर हाउस नीट एंड क्लीन. हम हाउस के अंदर हैप्पी फील करते हैं, बहुत ही अच्छा फील करते हैं और हमें अपने हाउस को हमेशा नीट एंड क्लीन रखना चाहिए. कीवर्ड्स कीवर्ड्स देखते हैं. हाउस प्लेस वेयर वी लीव इन कॉल्ड अ हाउस. हाउस किसे कहते हैं कीवर्ड में? ऐसा स्थान जहाँ पर हम रहते हैं वो हमारा हाउस कहलाता है. कॉटन क्लॉथ्स, क्लॉथ्स मेक अ कॉटन आर कॉल्ड कॉटन क्लॉथ्स. ऐसे क्लॉथ्स जो कॉटन से मेड होते हैं उन्हें हम कॉटन क्लॉथ्स कहते हैं. वूलन क्लॉथ्स, क्लॉथ्स मेड ऑफ अ वूल आर कॉल्ड वूलन क्लॉथ. ऐसे क्लॉथ्स जो वूल से मेड होते हैं उन्हें हम वूलन क्लॉथ्स कहते हैं. मीन्स ऊन से बनाए जाते हैं. वूल मीन्स ऊन. यहाँ पर हाउस बना हुआ है. देयर आर टू काइंड्स ऑफ हाउस, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस. कच्चा हाउस विलेज वगैरह में जो हाउस होते हैं वे आपके कच्चा होते हैं, कच्चा हाउस होते हैं. और सिटीज में जो हाउस आप देखते हैं वे सभी आपके पक्के हाउस होते हैं. यहाँ पर ये देखिए, हाउस हमें किस किस चीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं? प्रोटेक्ट हीट, कोल्ड, विंड एंड रेन. इन्हीं सब से हमें हाउस बचाते हैं. हाउस प्रोवाइड अस शेल्टर फ्रॉम द हॉट सन, कोल्ड विंड एंड रेन. रूम इन अ हाउस. हमारे हाउस के अंदर कौन कौन से रूम होते हैं ये देखिए. वी कुक इन द किचन. किचन होते हैं जहाँ पर हम अपने फूड को कुक करते हैं. वी कुक इन द किचन में. नेक्स्ट है वी स्टडी इन द स्टडी रूम. स्टडी रूम होता है जहाँ पर हम स्टडी करते हैं. वी ईट अवर फूड इन द डाइनिंग रूम. हम डाइनिंग रूम भी होता है जहाँ पर हम अपने फूड को ईट करते हैं. नेक्स्ट है आपका वी स्लीप एंड रेस्ट इन अवर बेडरूम. हम बेडरूम होता है जहाँ पर हम स्लीप और रेस्ट करते हैं. वी टेक बाथ इन द बाथरूम. बाथरूम में हम बात करते हैं. इस तरीके से आपके रूम में, आपके हाउस में कौन कौन से रूम होते हैं? किचन, स्टडी, डाइनिंग रूम, बेडरूम एंड बाथरूम. नीड फॉर क्लॉथ्स. नेक्स्ट टॉपिक नीड फॉर क्लॉथ्स. हमें क्लॉथ्स की नीड क्यों होती है? क्लॉथ्स मेक अस लुक नीट, क्लीन एंड स्मार्ट. क्लॉथ्स से हम क्या दिखते हैं, कैसे दिखते हैं? नीट दिखते हैं, क्लीन, स्मार्ट. क्लॉथ्स हमें बनाते हैं नीट, क्लीन एंड स्मार्ट बनाते हैं. क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, विंड एंड रेन. क्लॉथ्स हमें हीट, कोल्ड, विंड और रेन से प्रोटेक्ट भी करते हैं. किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं? जब हीट होती है तो हम कॉटन क्लॉथ्स वेयर करते हैं, कोल्ड में हम वुलन क्लॉथ्स वेयर करते हैं, विंड में हवा चलती है, रेन में हम
रेनकोट वगैरह वियर करते हैं। वी वियर डिफरेंट क्लॉथ्स एट डिफरेंट टाइम्स, मीन्स यहाँ डिफरेंट डिफरेंट क्लॉथ्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइम में वियर करते हैं। वियर मीन्स पहनना। वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर, वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर, कॉटन क्लॉथ कीप अस बॉडी कूल। वी वियर वुलन क्लॉथ इन विंटर, विंटर वुलन क्लॉथ कीप अस बॉडी वार्म, मीन्स अगर हम समर में कॉटन क्लॉथ पहनते हैं तो ये हमारी बॉडी को कूल रखते हैं। वुलन क्लॉथ हमारी बॉडी को ठंड के समय, विंटर के समय बॉडी को वार्म रखते हैं। वी पुट ऑन शूज एंड सॉक्स टू प्रोटेक्ट अवर फीट। वी यूज़ रेनकोट अम्ब्रेला ड्यूरिंग रेनी सीजन, रेनी सीजन में हम रेनकोट अम्ब्रेला वियर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लॉथ्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। ये क्लॉथ्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स से मेड होते हैं। कॉटन क्लॉथ्स आर मेड ऑफ कॉटन, कॉटन क्लॉथ्स कॉटन से बने होते हैं। ये देखिए कॉटन से पिक्चर में दिखाया गया है, इससे क्या बनते हैं आपके कॉटन क्लॉथ्स मेड होते हैं। वी गेट कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट्स, कॉटन प्लांट्स कॉटन हमें कहाँ से मिलता है, ये हमें कॉटन प्लांट से मिलता है। वूलन क्लॉथ्स आर मेड ऑफ वूल, वूलन क्लॉथ्स हमें वूलन क्लॉथ से वूल से मेड होते हैं। और वी गेट वूल फ्रॉम सीप, ये सीप है और इससे ही हमें वूल मिलता है जिससे हम वूलन क्लॉथ्स मेड करते हैं। इस तरह से आपका चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट होता है। अवेयर सम फैक्ट, एनिमल्स सच एज पोलर बियर लिव इन कोल्ड प्लेसेस एंड देयर बॉडी आर कवर्ड विथ फर, फर कीप्स देयर बॉडी वार्म, मीन्स यहाँ पर जो आपको बताया कि आप फर जानते होंगे उससे फर से क्लॉथ्स बनाए जाते हैं, ये पोलर बियर से में हमें मिलता है और ये कोल्ड प्लेसेस में पाया जाता है। ये इसकी बॉडी पर पूरा कवर होता है और ये फर हमारी बॉडी को वार्म रखता है। लेट अस रिकॉल, वी नीड अ हाउस टू लिव इन, हमें हाउस की नीड क्यों होती है, टू लिव इन मीन्स रहने के लिए। अ हाउस कीप अस सेफ फ्रॉम द हॉट सन कोल्ड विंड एंड रेन, का हाउस हमें किससे प्रोटेक्ट करते हैं, हॉट सन कोल्ड विंड और रेन से। क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट कोल्ड विंड एंड रेन, क्लॉथ्स हमें हीट कोल्ड विंड और रेन से प्रोटेक्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 9 आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 2 में हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कराएंगे। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू क्लास।